कस्टमरों थैंक यू। साहब आपको एक बात सुन के बड़ी खुशी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आजकल इनको हमारे पंच सुन के खुशी नहीं होती, ये तो फिर एक बात है। मैं शादी कर रहा हूँ आपके मोबाइल की छोटी बहन सिम से, तालियां। देखो आप भी आशिक हो, आप भी आशिक हो, सोचो कि कुछ बातें शादी से पहले क्लियर हो जानी चाहिए ना। मैंने सिम से पूछा, मैं क्या, देखो सिम डार्लिंग तुम पहले किसी से प्यार तो नहीं करती? कहती नोकिया। मैं क्या, कमाल यार, मेरी तो लॉटरी लगी यार, करेक्टरलेस नहीं है ये। मैं मोबाइल हूँ, मेरी भी कोई जिंदगी है यार, है पता नहीं किस किस के हाथ में मैं आ जाता हूँ। एक बार मैं अर्चना जी के हाथ में आ गया, मुझे आज भी याद है। परमु, माय गॉड, परमु कहाँ हो तुम? मेरा मोबाइल का रख दिया तुमने, माय गॉड कितने सारे नंबर थे मेरे उसमें, दो तीन तो काम के भी थे। परमो परमो भूकंप आ गया परमो। और मैडम भूकंप नहीं, मैं वाइब्रेट पे लगाऊं। ओह माय गॉड, ओह तू यहाँ सोफे के नीचे था। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, एक मिनट दिखा, कोई फोन वोन तो नहीं आया? मैडम इधर क्या देख रहे हो, मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, मेरे से पूछो। कोई कॉल वॉल तो नहीं आई? मैडम कॉल नहीं, कॉले आई है, कॉले। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी मैं बिजी बहुत हूँ ना आजकल। कॉले तो आएंगी, किसकी कॉल आई बताओ? मोबाइल वालों की आई है, कहते आज शाम तक अगर बिल नहीं दिया तो आपका कनेक्शन काट देंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने कल ही अपने क्रेडिट कार्ड से अपने मोबाइल का बिल भरा है। तो क्रेडिट वालों का भी फोन आया था, कहते अगर आज शाम तक पूरे पैसे जमा नहीं कराए तो वो रिकवरी वाले आएंगे, फिर वो जो करेंगे फिर हमारा जुमाने। oh my God, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लगता है विपुल को फोन करना पड़ेगा। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? ओ क्या होगा इस पैसे से, पैसे की लगा दूं ढेरी, पैसे की लगा दूं ढेरी। हट। हेलो, हाय हाय विपुल, 35,000 के मोबाइल से अर्चना बोल रही हूँ। ये अर्चना कौन? ओ अर्चना जी कैसी हैं आप? मैं एकदम मजे में नहीं हूँ, मुझे तुमसे पैसे की बात करनी है। अरे अर्चना जी पैसे की क्या बात करनी है, इस बार जो शूटिंग हुई है कितना खा गई आप? ज्यादा ज्यादा 1.5 लाख के बर्गर खाए, पैसे फिर कभी दे देना। मैं तुमको थोड़ी देर में करती हूँ, अब मुझे कोई अर्जेंट फोन आ रहा है। किसका? सुरेंद्र का। ओह माय गॉड सुरेंद्र, देख तेरा नाम लेके बच गई मैं। अर्चना जी देखो ये लड़की क्या बोल के गई है, कहती सुरेंद्र का नाम लेके बच गई, इसको ये नहीं पता इसका नाम लेके तो बड़े बड़े एक्ट बच जाते हैं। भाई सलाम है जी आपको। केटी साहब आपको नहीं पता एक बार मैं आपके पास भी था। केटी साहब कमाल है यार, मैं आपसे इधर से बात कर रहा हूँ आप इधर से आ गए हो। प्यार ही होता जी। अरे मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल तो, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे शूटिंग पे जाना है। क्या बात है मोबाइल, तू मेरे पास खुद ही चल के आ गया। यार कमाल है, आपकी फिल्में इतनी चल रही हैं तो मोबाइल नहीं चल सकता। ठीक साहब एक बात कहूँ, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहनी पड़ेगी। क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है? कैसे चलूं यार, भाई आप बताओ, जिस इंसान की एक किडनी निकाल ली जाए वो सही चल सकता है? नहीं ना, मैं डबल सिम वाला मोबाइल था, इन्होंने मेरा एक सिम निकाल लिया, अब मैं सिंगल सिम से कैसे चलूं यार? मेरी बात सुन, जब मैं दो पहियों पे गाड़ी चला सकता हूँ तो तू एक सिम से खुद नहीं चल सकता? साहब आपको एक बात की बहुत खुशी होगी कि
इस बार हमने कुछ नया किया, हर बार स्टैंड अप बीच में करते तो लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने स्टैंड अप करना ही नहीं, हम वैसे ही वेट करते, आप उतनी देर हंसते रहो। पाजी, आप रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा, मैं तो खुश हूँ, मैं भंगड़ा कर रहा हूँ। भंगड़ा? पाजी, मैंने ना नया मोबाइल ले लिया है। मैं तो पुराना हूँ, मुझे आपने पुराना खरीदा है। पाजी, मेरा और राजीव ठाकुर का एक ही जैसा है। यू नो, हम पुरानी चीज को नया बोल बोल के हिट कर देते हैं। पाजी, हाँ जी, मैं नया मोबाइल लिया ना, मैंने इनॉग्रेशन करना है। ओ यार पाजी, पहले मेरे को रिचार्ज तो करा लो। पाजी, यू नो, सारे पैसे आपको खरीदने में खर्च हो गए, पूरे 150 रुपए। पाजी, फोन लगाना एक ही जगह फ्री में लग सकता है, कस्टमर केयर में। थोड़ा फोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरे कपड़े धोने वाली बाई नहीं आई है, आप आ जाओ। देखिए भाई साहब, मेरे साथ टाइम पास मत करो। तो आप कर रहे हो ना मेरे साथ। तो ठीक है, हमारे पास कुछ नई हेलो ट्यून्स आई हैं, सुनना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए ना। एक दबाओ। जब से तेरे नैना मेरे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, ओ सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया, हमको साथी मिल गया, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही युग मेरे जीवन साथी प्यार की जा, जवानी दीवानी खूब सुसिद्धि पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अर्चना, कैसा लगा आपको ये मोबाइल, यानी कि हमारे ब्लैक लहरी का मुखड़ा? सुदेश, हालांकि आप अभी भी, आई नो कि आपकी तबीयत अभी भी नासाज है, लेकिन आपको स्टेज पर देखकर बिल्कुल नहीं लगता, यू हैव द सेम एनर्जी, ऑफकोर्स टैलेंट तो है ही आपका, और आप दोनों जो भी करते हैं वो बहुत ही कमाल का करते हैं, आई रियली थर्ली एंजॉयड बोथ ऑफ यू। इट वॉज अ डिसेंट एक्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट वॉज अप टू मार्क, बट जिस तरह से आज पूरा एपिसोड गया है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इट वॉज अ नाइस एक्ट। तो जजेस, क्या स्कोर देना चाहेंगे आप इन्हें? आज जिस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ उस हिसाब से दी गई ज्यादा स्कोर 9 points, और आज जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ 8 points।